करनाल के इंद्री में किन्नरों का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। हुआ यूं कि इंद्री के गांव रायत खाना में उस समय हंगामा हो गया जब दो किन्नर गुट एक ही परिवार में शादी के बाद बधाई मांगने के लिए पहुंच गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें एक गुट के तीन लोग घायल हो गए। जैसे ही सूचना पुलिस को लगी तो मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत करवाया। दरअसल गांव रायत खाना में एक परिवार में शादी हुई थी जिससे सोनिया किन्नर गुट के किन्नर सोमवार को बधाई लेकर आ गए। मंगलवार को शालू गुट बधाई लेने के लिए पहुंचा तो परिवार ने कहा कि हम पहले ही सोनिया गुट को बधाई दे चुके हैं, जिस पर शालू गुट ने परिवार के सदस्यों को सोनिया गुट को गांव में बुलाने के लिए कहा। वहीं सोनिया गुट का आरोप है कि जैसे ही परिवार के बुलावे पर प्रियंका, टीना, राधिका और डोली किन्नर अपने ढोलकी वादक शम्मी के साथ गांव में पहुंचे तो वहां मौजूद शालू किन्नर, संजना किन्नर, सलमा किन्नर और बबली ने अन्य आरोपियों के साथ उनके ऊपर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें प्रियंका, राधिका और शम्मी को चोटें आई है। मुझे सुना जी, मैं हजर के करी, मैं हूँ कुदरती हिजरा जी, जन्म जात का भगवान का दिया। अगर मेरा कोई गलती नहीं है जी, वो भगवा ले गया गुंडा मुस्तान दोस्त बंदा ले गया, तो मुझे मारा जी। देखो मैं तो सबका सामने नंगा होकर, आप कहो तो मैं नंगी होकर दिखाऊंगा जी, आप कहो तो मैं नंगी होकर दिखाऊंगा। मैं क्या चीज हूँ? अब एक बार बताए, मैं क्या चीज हूँ? चुप। सुना जी, सालू हिजरा को कहो जी, सालू हिजरा को कहो वो क्या चीज है, मैं क्या चीज हूँ? ये तो आदमी ले गया था, झगड़ा बताओ क्या बात। सुना जी, ये हमारी गुरुजी क्या है, हमारी गुरुजी सालू को दिया। सुन, एक मिनट सुनो, हमारी गुरु सालू को मांगने खाने दिया था जी, तो हमारी गुरु के साथ वो बहुत कुछ करी। पुलिस थाना सबको पता है जी, क्या क्या करा सब पता है। ये हमारे गुरु ने उसे बेदखल कर दी, कि मेरा तो चेला नहीं, नाती नहीं, कुछ नहीं मेरे तरफ से। तू आज किस बात पे? ये हमारा एरिया, हम पिटेंगे, छटेंगे, हम मांगेंगे जी, हम हटने वाले नहीं है, हम मांगेंगे, हम मांगेंगे। इससे पीछे होकर बात करो, इससे पीछे होकर बात करो। ये तो गुंडा है, ये हिजरा नहीं है, हिजरा मैं हूँ, मैं हिजरा हूँ जी। ये तो गुंडा है, ये गुंडा है, ये जितना कच्ची पक्की कर ले कुछ नहीं होता। मैं हिजरा हूँ जी, ये तो गुंडा मस्तान है। ये रात खन्ना में बधाई लेना आई थी जी हमने, तो हमने फोन करके बुलाया, हमने कल बधाई ले ली, उन्होंने हमें कल बधाई दे दी खुश होके, फिर इन्होंने आया बधाई लेने, फिर इन्होंने हमें बुलाया मारने के लिए। हमें क्या पता, हम कुछ बुलाया, जो जुमान ने बुलाया। स्वामी भाई मेरा फोन नंबर दे दिया। सुनो जी, उसका साथ 10-12 आदमी था जी, सारे गुंडा थे। मुझे मारा जी, कहो तो मैं खुल के दिखाऊंगा जी। तो 10-12 आदमी थे वो? हाँ जी, गुंडा थे, उसके साथ सारे गुंडा है जी। अरे इतने तो डंडा ले गए, क्या क्या ले रहे थे वो? डंडा ले रहे थे जी, डंडा बहुत मारा, सबको मारा। देखो रिवॉल्वर ले रहे, मेरा भी देखो मारा, कितना मारा देखो, इसके देखो, और मैं खुल के दिखाओ, मेरे यहाँ मारा जी। गड्डी भी तोड़ी, सब कुछ तोड़ा, बंदी बनाया गया। हाँ जी, बंदी बनाया, बीच में गली में गली में मारा जी हमें, तो घर था वो, मतलब कि बंदी बनाया जहाँ पर आपको वही बुलाया थी घर में। सर, ये किन्नरों का कोई मामला आया है, लड़ाई झगड़े का क्या है? हाँ, अभी किन्नर आए थे कोई कहने के, भी हमारे कुछ आदमी वहाँ रात खाना गाँव में मांगने गए थे, वहाँ पर झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर हम मौके पर गए थे, तो वहाँ एक सालू नाम की कोई किन्नर है, 3-4 आदमी उसके साथ थे मांगने वाले, और ये दूसरे कोई सोनिया ग्रुप है, दोनों ग्रुप पहुँचे इधर, किसी की शादी थी वहाँ पर। शादी में इनको आपस में उस बात पर कहा सुनी होगी थी, तार मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत, तो हम मौके पहुँच गए थे, और मौके पहुँच कर हम दोनों को अलग अलग करके भेज दिया था, खुद अगर जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई करते हैं। तो कोई बंधक बंधक कोई बना दिया था कुछ? नहीं, बंधक का कोई ऐसा मामला नहीं था, तो दोनों पक्ष आराम से वहाँ पंचायत में बैठे थे, वो धर्मशाला के अंदर गांव के लोग बीच में बैठे थे। तो कोई एरिया का विवाद है? हाँ, इनकी पहले भी दरखास्त आई थी, और DSP साहब ने बैठ के इनको समझाया था, मैंने भी समझाया था, गाँव के कुछ एरिए कुछ गाँव बनते हैं इन्होंने,
उसी बात पे इनका छोटा मोटा तकरार हो जाता है मामले में कई बार। कार्रवाई अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई करेंगे, ताकि हमने दोनों पक्षों को समझा बुझा के भेज दिया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।